चलिए तो गाइस कुछ आज अलग हटके बनाते हैं, क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है और जब मैं मार्केट जाती हूँ और आम मेरे सामने आते हैं तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ बनाने के लिए चलता ही रहता है। अब मैंने आम का खट्टा अचार भी बना लिया है और मीठा भी बनाया है, आम का मुरब भी बनाया है, लेकिन अभी तक मैंने आम पापड़ नहीं बनाया है इस सीज़न में जब से आम चले हैं। लास्ट ईयर तो मैंने काफ़ी टाइम बनाया है, 2-3 बार बनाया है, क्योंकि मुझे लगता बहुत अच्छा है, खट्टा मीठा जब खाते हैं तो मतलब एक अलग ही टेस्ट आता है। और बच्चों को तो अगर आम पापड़ दिया जाए तो वे तो खाना भी छोड़ देते हैं इसके सामने। तो चलिए आज मैं बनाकर दिखाती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, इसमें कोई झंझट वाली भी बात नहीं है, 10 मिनट में सारा बनकर रेडी हो जाता है, 10 मिनट लगते भी नहीं है अगर बनाने लगते हैं। तो चलिए मैंने 1 किलो आम लिए हैं, इनको छील कर अच्छे से और गुठली इनकी अलग कर ली है, छोटे छोटे पीस में काट लिया क्योंकि ये हमें उबालने हैं। देखिए आम हमारे कट के रेडी हो गए हैं, तो पहले इसको धो लेना है क्योंकि हमें मीठा कम डालना होगा, इसमें हमारा ही स्वार्थ है। वैसे भी साफ़ हो जाते हैं और खट्टापन भी निकल जाता है, तो मैं कुकर में उबाल रही हूँ। वैसे किसी फ्राई पैन में भी उबाल सकते हैं, लेकिन कुकर में थोड़ा सा सॉफ्ट ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसलिए एक सीटी लगानी है। सॉफ्ट होते हैं ये, वैसे ही देखने में लगते हैं लेकिन एक सीटी में बहुत आराम से उबल जाते हैं ये। पानी आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो मैं तो कभी करती नहीं हूँ घर। अब देखिए एक सीटी लगाई और बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ये, जो हाथ से ही मले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा मैंने हैंड ब्लेंडर से इसको ग्राइंड कर लिया है क्योंकि हमें छानना है इसको। वैसे तो आप ऐसे ही बना सकते हो, लेकिन छान के जब हम बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे बनते हैं आम पापड़ इससे, बिल्कुल रेडीमेड जैसे। देखिए कलर भी इसका बिल्कुल ऐसा हो गया, मतलब जैसे केले का होता है इस तरह से, जैसे केला ही कलर कहते हैं, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं डाला है। अभी ग्राइंड कर लिए हैं, तो एक बड़ी सी छलनी लेनी है, छोटी छलनी में कभी भी मैं छानिए नहीं तो बहुत परेशान हो जाएंगे। इसको छान लेना है, देखिए स्पून की हेल्प से भी छान सकते हैं, लेकिन हाथ से अगर वो करते हैं तो बहुत जल्दी छन जाता है, क्योंकि हमें जो ये गाढ़ा पल्प है इसका, तो इसको मतलब छुटाना होता है छलनी से, ये अपने आप नीचे नहीं गिरता। देखिए इस तरह से हटा हटा के हमें और बार बार इसको चलाना होता है। अब जब स्पून से काम नहीं चला तो मैंने हाथ से ही काम किया है, देखिए हाथ से तो एकदम निकल जाता है और ये जो इसके रेसे हैं ये निकल जाते हैं, बस छानने का ये फ़ायदा है। वैसे आप बिना छाने ही बना सकते हो, लेकिन छान के बहुत अच्छे बनते हैं ये। अब ये छान लिया है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है इसका, देखिए इसमें कोई पानी वगैरह, थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, आधा कप। अभी गैस पे कढ़ाई रखनी है और इसको पल्प को हमें डाल देना है इसमें। अब इसमें हम कोई पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल भी, गैस जला देनी है, मीडियम फ्लेम रखना है गैस का। और ये 1 कप चीनी डाल रही हूँ मैं, चीनी आप उसी हिसाब से डालना जितना खट्टा आम होता है, क्योंकि आम दो कई तरह के होते हैं, कुछ खट्टे होते हैं कुछ मीठे होते हैं, हरे आम भी मीठे होते हैं, तो मुझे थोड़ा टेस्ट करके भी देख लेना चाहिए। वैसे बीच में अब देखिए थोड़ा सा कम लग रही है, तो मैंने आधा कप और चीनी डाली है, यानी 1 किलो के पल्प में मैंने 1.5 कप चीनी डाली है। और ये डाला है मैंने थोड़ा काला नमक आधी चम्मच, क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा होता है, उसमें नमक भी होता है तभी अच्छा लगता है। गैस का हम मीडियम फ्लेम करेंगे, थोड़ा चटपटा और स्पाइसी बनाने के लिए मैंने डाला है चाट मसाला, और हमें इतना ही पकाना है जितना ही गाढ़ा हो सके बस, कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, ना कोई घी वगैरह। देखिए इस तरह से देख लेना चाहिए, जब चिपचिपा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि रेडी होने वाला है। अब इसको देखिए बिल्कुल मतलब ऐसे ही नहीं गिर रहा, चिपचिपापन गिर रहा है जो नीचे उठा कर देख रहे हैं हम। अब गैस को बंद कर देना, 5-7 मिनट लगे हैं इसको, 6 से 7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा उबालने की ज़रूरत भी नहीं होती इसे। अब थोड़ा ठंडा करेंगे, और एक थाली में हमने थोड़ा सा घी लगाया है, घी बहुत हल्का लगाना है, ज़्यादा घी नहीं लगाना है और सारे में लगाना है। अब इसमें जो है ये पल्प जो हमने पका के रखा था वो डाल देना है, और डाल के अच्छे से स्प्रेड करना है इसको। आप जितना मोटा रखना चाहें आम पापड़ उतना रख सकते हैं, थोड़ा लास्ट ईयर मैंने पतला बनाया था तो आपके थोड़ा सा मैं मोटा बना रही हूँ इस वजह से मैंने। देखिए बना के जब प्रॉपर सूख जाता है, जब पता चलता है कि कितना मोटा और कितना पतला बनाया है। अब ये एक थाली में तो लगा दिया है, ये ट्रे है, इसमें बहुत अच्छा बनता है, इस वजह से मैंने ये ट्रे रख रखी है, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है जो बीच में है, थोड़ा गहरापन होता है इसमें। अब इसमें भी कर देना है, देखिए अंदर अंदर फैल जाता है ऐसे,
जो बर्तन होता है बहुत अच्छा बनता है अगर हम इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि इसमें गहरा होता है तो ये अंदर ही अंदर आ गया सारा फल। अब दोनों बर्तनों में मैंने कर दिया है, देखिए दोनों हो गए हैं। तो हमें ये 3-4 घंटे के लिए धूप में रख देना है। मैंने धूप में रख के छोड़ दिया था, और पूरी मतलब ओवरनाइट के लिए भी छोड़ दिया था। ये सुबह को मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। ये बिल्कुल भी नीचे गीलापन नहीं है। अब इसको काट देते हैं। देखिए इसका जो शेप है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, कुछ ट्रायंगल बनाते हैं, कुछ स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप काटी हैं और इसको रोल कर देना है इस तरह से। बिल्कुल सूख गया है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, इसमें कोई भी कमी नहीं रही है। अगर हम 3-4 घंटे धूप में रख देते हैं तो आराम से सूख जाता है। मैंने रात के लिए इसी वजह छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा मोटा बनाया है मैंने इस बार। अब देखिए इसका तो बहुत ही अच्छा निकलता है, पूरा का पूरा निकलता है, अच्छा मोटा है, यहाँ पतला नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए हम थोड़े थोड़े मोटे रोल काटेंगे इसको बनाने के लिए। आप छोटे छोटे पीस भी काट सकते हैं, इसको ऐसे ही फोल्ड कर देना है क्योंकि मैं फोल्ड करके ही रखती हूँ। चलिए तो चलिए आम पापड़ बनकर हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको जिस शेप में बनाना हो उसी शेप में काट सकते हैं। देखिए इसे आप सारा रोल बनाए हैं मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को भी बताइए, क्योंकि बच्चे छुट्टी पे होते हैं तो वे भी तरह तरह की चीज़ें खाना पसंद करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की। तो चलिए सबको जय हिंद, जय भारत।